शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिंगनघाट शहर अब पूरी तरह से कोरोना के चपेट में आ चुका है। तहसील के साथ शहर में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। प्रशासन की ओर से 2 दिन का जनता कर्फ्यू घोषित किया गया, जनता लेकिन सहयोग नहीं कर रही है। अभी भी नियमों का पालन नहीं किया है जनता ने, आगे चलकर जनता को नियमों का पालन करना होगा। हिंगनघाट शहर में बढ़ते कोरोना प्रादुर्भाव को देखते हुए 2 दिन का जनता कर्फ्यू उपविभागीय अधिकारी द्वारा घोषित किया गया। शनिवार और रविवार यह 2 दिन अत्यावश्यक सेवा छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रखने के आदेश है। तब जनता को प्रशासन द्वारा अत्यावश्यक काम हो तब ही बाहर निकलने को बताया गया, लेकिन शहर में जनता रोड पे आते दिखाई दी। शहर के रोड पर लोगों का आवागमन जनता कर्फ्यू के रहने के बावजूद दिखा। बढ़ते संक्रमण का एक हिस्सा जो आज शहर ने शतक पार कर लिया है, उसके साथ ही शहर का कोरोना पॉजिटिव की संख्या 102 पर पहुंच चुकी है, तब भी शहर की जनता गंभीर नहीं। कल शहर के भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के 6 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए, तब स्टेट बैंक के अगले आदेश तक बंद रखी गई है। गौतम वार्ड स्थित 2 मरीज जो सुबह एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आए थे, ये दोनों मरीज हिंगनघाट के कोविड सेंटर से भाग गए, अपने निवास स्थान पहुंच गए हैं। उप जिला रुग्णालय के संबंधित अधिकारियों ने प्रभाग के नगर सेवकों को इस बारे में जानकारी देकर मदद करने की बात कही, लेकिन अब तक नगर सेवक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। संबंधित मरीज को पुलिस और आरोग्य प्रशासन बड़ी मशक्कत के बाद उप जिला रुग्णालय में कोविड सेंटर में ले जाने में सफल हुए, तब शहर में इस प्रकार की ये पहली घटना है। शहर कुछ महीनों से कोरोना संक्रमण से अछूता था, लेकिन बढ़ते संक्रमण ने शहर के साथ तहसील को भी अब चिंता में डाल दिया है। हिंगनघाट शहर में जिस तरीके से कोरोना की जो वाड़ हो रही है और उसमें यहाँ के स्थानीय लोग जो कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद भी वो उप जिला रुग्णालय से अपने घर पे भाग के आ जा रहे हैं, जिससे पुलिस प्रशासन को और हेल्थ विभाग को बड़ी परेशानियाँ हो रही है। हिंगनघाट की जितना हो रहा है जिस तरीके से प्रशासन कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है जो कोरोना के जिनमें सिम्टम्स है या जिनका टेस्ट होने के बाद भी इन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रखा जा रहा है या उन्हें कोविड सेंटर भेजा जा रहा है, तो ऐसे लोग वहाँ से भाग के अपने घरों को आ जा रहे हैं, जिससे प्रभाग में कोरोना महामारी फैलने की बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो सकती है। तो ऐसे लोगों ने भी चाहिए कि अगर उनको कोई इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, कोरोना एक तरीके का एक छोटी मोटी बीमारी समझ के उसको रहे, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे इतना लोड ना ले और सही तरीके से इलाज करके घर पे वापस आए, क्योंकि हम देख रहे हैं बाकी जो जिले में जिस तरीके से कोरोना पेशेंट जब उन्हें सेंटर में भेजा जा रहा है तो वो स्वस्थ होकर अपने घरों को आ रहे हैं। तो बस ऐसे ही हिंगनघाट के भी जो अगर पेशेंट निकल रहे हैं तो उन्होंने अपने पॉजिटिविटी रखना चाहिए अपने दिमाग में और सबको संयम बरतना चाहिए। हिंगनघाट से इनबीसीएन न्यूज़ के लिए रवि एनोरकर की रिपोर्ट।